नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कलेक्टर श्री दुबे ने की सीएम हेल्पलाइन और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा। रायसेन कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा विभागवार समय सीमा वाले शासकीय पत्रों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान विभागों की लंबित शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति, प्रदेश स्तर पर रैंकिंग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुबे ने सभी जिला अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सा सेवाएं, जनजातीय कार्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति, स्कूल शिक्षा, सहकारिता और पीएचई विभाग की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जिला अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए शिकायतों का निराकरण करते हुए कार्यप्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस उद्देश्य को लेकर यह यात्रा आयोजित की जा रही है वह पूर्ण हो, शासन की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाया जाए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, पंचायत, कृषि, खाद्य विभाग सहित अनेक विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल, डीएफओ विजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।